बच्चों, कल आपने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पढ़े थे और सीखे हुए समझे थे। आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे और उसके आगे के क्वेश्चन भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, -1 × 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 × -1 = 1 को निरूपित कीजिए। हमको लिखना क्या है, एक पैटर्न बनाना है। पैटर्न क्या होता है, एक निश्चित क्रम में किसी संख्या को लिखना, गुणा करना या प्लस माइनस करना। जैसे यहाँ लिखा -1 × 5। अब बच्चों -1 × 5 होता क्या है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर्स को तो क्या आएगा, -1 × 5 को यदि हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा, -5। अब एक पैटर्न के रूप में हम लिखे, घटते क्रम में लिखना है, -1 को एक बार यहाँ 5 से किया, अब किसे करेंगे, 4 से, फिर किससे करेंगे, 3 से, फिर -1 को किससे करेंगे, 2 से, अब -1 को 1 से, अब -1 को 0 से, -1 को 0 से किया तो क्या आएगा, 0। अब -1 को -1 से, -1 × -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर क्या आता है, प्लस। तो यह एक पैटर्न है कि देखो, सबसे पहले हमने लिया -1 × 5 -5, -1 × 4 -4, -1 × 3 -3, -1 × 2 -2, -1 × 1 -1, -1 × 0 0, -1 × -1 = 0। ये एक सीक्वेंस चल रहा है, देखो 5 4 3 2 1 0, और उसके बाद क्या आता है, -1। तो यह आपको एक पैटर्न के रूप में क्वेश्चन को समझाना है। अब इस पैटर्न को मैं आपको प्लस माइनस में भी बता देती हूँ। जैसे यह संख्या है -5, अगली बार जो संख्या लिखेंगे -5 - 4, तो यहां आ जाएगा -5 + 4 = -1। या देखिए फिर -5 - -3 = -5 - -3, ये क्या आ जाएगा, -2। -5 - -2 -5 + 2, तो यह क्या आ जाएगा, -3। -5 - -1 = -5 + 1 = -4, -5 - 0 = -5 - 0 = -5, -5 - -1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5 - 1 = -6। तो यहाँ एक पैटर्न बन गया है, ये देखिए आपके -1 - -2 - 3 - 4 - 5 - 6, और ये पैटर्न यहाँ पर अलग बना है। तो आपको पैटर्न यही वाला समझना है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है। तो इन पैटर्न के सवाल भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमको इन सवालों को हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, और इसके क्वेश्चन हर बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 26 × −48 + −48 × −36। यहां देखिए बच्चों, 26 × −48 + −48 × −36। यहां देखिए कॉमन संख्या कौन सी है, 48। जो संख्या यहाँ कॉमन हो वहां हमको उस कॉमन संख्या को एक बार लेना है, तो यहाँ 48 को माइनस के 48 को कितनी बार लेना है, एक बार, वन टाइम हमको लिखना है। आपने वितरण गुण पढ़ा है, ये वितरण गुण से संबंधित सवाल है। अब इस वितरण गुण को हमें संगत करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, −48 को वन टाइम लिखना है, −48 इंटू का साइन है, यहाँ इंटू लगाना है। फिर ये 26 लिखना है, यहाँ ये 26 किसका है, प्लस का है, और ये प्लस का साइन यहाँ लगाना है, और ये संख्या जो ये है −36। एक बार फिर देखिए, यहाँ कॉमन संख्या क्या है, −48, तो −48 को यहाँ पर आपको लिखना है, एक बार लिखना है, −48 यहाँ दो बार है तो आपको एक बार लिखना है। फिर आप देखिए ये 26 को मैंने यहाँ लिखा, 26 के पहले कोई साइन नहीं है, यानी ये प्लस का है तो इसके पहले प्लस नहीं लगेगा। फिर ये वाला प्लस मैंने यहाँ उतारा है, 48 का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, −36, तो −36 को मैंने यहाँ लिखा है वापस। अब देखिए ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये 26 और प्लस माइनस −36, −48 × 26 में से 36 गए तो बचे 10, बड़ी संख्या है 36, 36 के पहले साइन क्या है, माइनस, तो ये भी माइनस का 10 बचेगा। अब यहाँ देखिए 48 × 10, अब 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 480, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 48। इट मींस आंसर क्या हो गया, ओनली 480। ये आपके वितरण विधि के क्वेश्चन है, इसमें किस क्वेश्चन में कौन सा नियम लगाना है ये मैंने आपको वर्कशीट में बताया था। वितरण गुण, संवृत गुण, क्रम विनिमयता का गुण, साहचर्य का गुण, तो यहाँ पर आपको माइंड लगाना है कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह का गुण लगाया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का ही, बी करते हैं, 8 × 53 × −125। हल करते हैं। अब यहाँ देखिए तीन संख्या है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर साहचर्य करना पड़ेगा। जब भी गुणा करते हैं और तीन या चार संख्या होती है तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, साहचर्य। साहचर्य का मतलब क्या होता है, दो संख्याओं का जोड़ा बनाना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं जोड़ा बनाऊ, अगर 8 और 125 का जोड़ा बनाऊ तो इनको गुणा करना आसान होगा, 53। 8 को 125 से गुणा करेंगे तो गुणा कीजिए, 8 × 5 = 40 का 0, 5 × 6 = 4, 12 × 8 = 96 और 400। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस के 1000 × 53, माइनस के 1000 × 53, तो 53 को 1000 से गुणा किया तो आएगा 53000, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो आंसर किसका आएगा, −53000। एक बार वापस देखिए, हमें यहाँ क्या करना है, यदि तीन संख्या दी हुई है तो किन्हीं दो संख्याओं का साहचर्य करना है। साहचर्य का मतलब होता है ग्रुप बनाना है, ग्रुपिंग करनी है। तो हम
इसको भी ग्रुप बना सकते हैं, इन दोनों को भी बना सकते हैं या इन दोनों को भी बना सकते हैं। तो मैंने ऐसी संख्या चूज की है जिससे मेरे एंड में जीरो जीरो आ जाए। जैसे 8 को 5 से गुणा करते हैं तो इकाई में क्या आता है, जीरो। तो मैंने 8 × 125 किया है ना, इसका जोड़ा बनाया है और इस 53 को अलग रख दिया। इस जोड़े में इस संख्या का चिन्ह के साथ हम इसको चिन्ह सहित इस संख्या को लिखेंगे। तो 8 × 125 हो गया माइनस के 1000 × 53 और माइनस और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का आंसर होगा। ओके चलिए इसके क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।